हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लुकास गुप्ता और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चेवरोलेट जो कार कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। हाँ दोस्तों, आज मैं चेवरोलेट कंपनी जो है ऑटोमोबाइल कंपनी जिसकी बहुत महंगी कार्स आती है उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, उन्होंने उस कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई आप लोगों को मैं बता दूं। चेवरोलेट एक मतलब फॉरेन कंट्री की कार है, फॉरेन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है और इंडिया में ये फेल हो गई, मतलब चली ही नहीं ज़्यादातर। और आप लोगों को बता दूं कि चेवरोलेट कार जो उसकी बहुत महंगी कार आती है, उसकी जो एक विंगर आप लोग जानते हैं कि छोटी सी कार जिसमें आप लोग याद होगा अगर आप लोग पुरानी फिल्में देखते होंगे, उसमें एक तरह से किडनैप करने के लिए जो कार यूज होती है उस टाइप की कार से मैंने देखी थी दिल्ली में और उसकी प्राइस उस समय 12 लाख थी। वो भी मुझे दूसरों से पता चल के बहुत महंगी कार है क्योंकि उसके जो लोगो थे ना वो प्लस का साइन था। आप लोग जान सकते हैं या फिर आप लोगों को इमेजेस दिख रही है कि चेवरोलेट की जो साइन है तो वो प्लस टाइप की होती है। तो मैंने कहा ये कौन सी है, एम्बुलेंस तो नहीं है, एम्बुलेंस तो लग नहीं रही क्योंकि एम्बुलेंस की लाल होती है लोगो प्लस वाली। तो किसी ने जो वहाँ के जानकार थे उन्होंने कहा कि चेवरोलेट कार है और ये बहुत मतलब महंगी गाड़ी है और वो कार वहाँ पे सर रहती इतनी पुरानी थी दिल्ली में कहीं पे गली मोहल्ले में। तो मैं और आप लोगों को बता दूं चेवरोलेट कार जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब फॉरेन कंपनी, फॉरेन में ये कार चलती है जहाँ जहाँ इसके जापान, ब्राजील, बहुत से जगह इसके ब्रांचेज वगैरह हैं, कनाडा, मेक्सिको, जापान, ब्राजील वगैरह में इन सब जगह इनकी ब्रांचेज हैं, वहाँ से इन कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। और आप लोगों को बता दूं इसको कौन चलाता है, इसे कौन बनाता है, इसकी एक कंपनी है GMC जनरल मोटर कॉरपोरेशन। ये चेवरोलेट इज द वन ऑफ द सेवरल ब्रांड्स ओन्ड बाय जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन। ये एक बहुत बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी है जो कि चेवरोलेट को ऑपरेट करती है। और आप लोगों को बता दूं कि ये इंडिया में बंद क्यों हो गई, ये इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड चेवरोलेट फॉल इन इंडिया, फेल इन इंडिया, द फ्रीक्वेंट चेंजेस टू द मॉडल लाइन अप मीन दैट रीसेल वैल्यू ऑफ जीएम कार्स वॉज वेरी पुअर। रीसेल वैल्यू जो थी मतलब चेवरोलेट की जीएम कार्स इसीलिए क्योंकि ये जनरल मोटर्स बनाती है, उन्होंने ही ऑन की है तो इसीलिए जीएम कार्स से कहा जाता है। और इसकी जो रीसेल वैल्यू थी वो बहुत पुअर थी, बहुत खराब थी इसीलिए, और विद रिलायबिलिटी नॉट बींग द बेस्ट, इसकी रिलायबिलिटी कोई बेस्ट नहीं थी इसीलिए इसकी मार्केटिंग और क्या कहूँ कि रीसेलिंग वैल्यू की वजह से इंडिया में नहीं चली। पर आप लोगों को बता दूँ इंडिया ने दूसरे जगह अपने झंडे गाड़े, मतलब चेवरोलेट जो कंपनी है जीएम मोटर्स, उन्होंने दूसरी जगह अपने झंडे गाड़ दिए इस कंपनी को ब्रांडिंग करने में, इस कंपनी के प्रचार करने में। आप लोग जानते हैं फिलहाल मतलब सैमसंग ने अपनी फोन जो निकाली उसकी गजब की मतलब मार्केटिंग कर रही है, उसकी यूनिक तरीके से मार्केटिंग कर रही है। आप लोगों को नहीं पता था, एक बता दूं अगर आप लोग जानते हैं तो यूनिक सैमसंग ने एक सैमसंग जेड फ्लिप करके एक फोन निकाली जो कि आप लोग ओपन करके खोल के देख सकते हो, उसकी डबल स्क्रीन है। तो आप लोगों को उसके बारे में, उन्होंने सैमसंग ने अपने जहां जहां बड़े बड़े शहरों में मतलब दूसरे देश में यहां पे इंडिया में जहां जहां बस आते हैं, बस स्टॉपेज होते हैं, वहां पे उन्होंने अपने मोबाइल फोन की एक सीट टाइप की आप उसे फ्लिप करके आप वहां पे बैठ सकते हो, जहां पे वहां पे बैठने की सीट होती है, सोफा वगैरह, बेंचेस वगैरह लगे रहते हैं वहां पे सैमसंग ने अपने वो फोन लगाए हैं वहां पे। उसके बाद जैसे ही आप वहां जाएंगे तो वो फोन को, मतलब फोन को एक फ्लिप टाइप का है, उसे आप गिरा के उसे साइड में रख सकते, मतलब वहीं पर छोड़ सकते हैं, या पर अगर आपको बैठने का मन तो उसे आप ऊपर कर दे, आप वहां पे बैठ सकते हैं। तो ये थी सैमसंग की। पर चेवरोलेट की क्या है, आप लोगों को एक पोस्ट दिख रहा है उस पर लिखा हुआ है व्हेन चेवरोलेट टर्न बिलबोर्ड्स इनटू बैग्स। आप लोग जानते हैं बड़े बड़ी कंपनी जो होती है वो बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स वगैरह हर जगह लगाती है, पूरे मार्केट में, पूरे शहर में, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, NH वगैरह हर जगह लगाती है कि ताकि उसकी प्रचार, उस कार की प्रचार हो। हालांकि हर जगह लगती है, मेरे यहाँ भी लगी हुई है, मैं जब सड़क पे निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ अपने घर से, तो हर जगह दिखती है। पर उन्होंने क्या किया ऐसा जो कि उनकी मार्केट रीसेलिंग वैल्यू, मार्केटिंग वैल्यू इतनी बढ़ गई और उनकी यूनिक मार्केटिंग हो गई। आप लोगों को एक पोस्ट दिख रही है उस पर लिखा हुआ है कि एड बिलबोर्ड्स हैव ए शॉर्ट टर्म पर्पस। एड बिलबोर्ड जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म पर्पस होती है, मतलब कि अगर आप कहीं पे लगा दो उसे तो लोग तो देख लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च भी कर लेते हैं, पर आंधी तूफान में वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, बर्बाद हो जाती है वो। और इसमें लिखा एंड आफ्टर ए सर्टन टाइम दे आर ऑफ नो यूज एंड एंड अप बिकमिंग वेस्ट, बट चेवरोलेट कनाडा डिड एन अमेजिंग जॉब विद दिस। कनाडा में जिसकी ब्रांच है चेवरोलेट की, वहाँ पे जो ब्रांच है उन्होंने इसके साथ बहुत ही अच्छा डील किया और इसको एक नए तरीके से पेश किया, नए तरीके से मतलब अपने क्लाइंट के सामने रखा। आप लोगों को एक पोस्ट और दिख रही हुई उस पर लिखा हुआ है चेवरोलेट कनाडा प्लेस्ड बिलबोर्ड ऑल अक्रॉस द एरिया इन 2010 टू प्रमोट द चेवरोलेट क्रूज।
उन्होंने पूरे ऑल अक्रॉस द एरिया जितने भी एरिया थे पूरे मतलब जहां जहां उनकी ब्रांचेस थे वहां पे 2010 में पूरे बिलबोर्ड्स लगाए, पूरे पोस्टर्स वगैरह लगाए टू प्रमोट चेवरोलेट क्रूज। उसकी कोई गाड़ी आई थी जैसे आप लोग जानते हैं सुजुकी की आती है, बहुत सारी गाड़ी ब्रिजा वगैरह, उस तरह चेवरोलेट की गाड़ी आई थी क्रूज, जिसे कि वो मार्केटिंग करने के लिए पूरे शहर में पूरे NH हाईवे वगैरह पे ये बिलबोर्ड्स लगाए थे। पर इससे मतलब फायदा तो होता है पर नुकसान भी होता है क्योंकि वो बहुत दिन तक टिकते नहीं है, फट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कोई उसे फाड़ के ले जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक तस्वीर और आप लोगों को दिख रही है, इट देन कलेक्टेड ऑल द आउटडोर विनिल कम्बाइंड इट विथ रिसाइकल्ड सीट बेल्ट्स। उन सारे को कलेक्ट किया एंड बनाया इट विथ रिसाइकल्ड सीट बेल्ट्स बनाए गाड़ी के एंड बाइसाइकिल इनर ट्यूब साइकिल की अंदर के ट्यूब बनाए एंड मेड हंड्रेड्स ऑफ मैसेंजर बैग्स एंड लैपटॉप स्लीव्स बनाए, मतलब जो होती ना टांगने वाली लैपटॉप बैग की, तो उसके स्लीव्स बनाए। और आप लोगों को बता दो उस पर क्या था जैसा मार्केटिंग हुआ, उस पर चेवरोलेट की लोगो बनी हुई थी, इससे उसकी मार्केटिंग और बढ़ गई। हाँ दोस्तों आप लोगों को तस्वीर दिख रही है उस पर उसकी लोगो है, उसके नाम है, और इसी तरह मार्केटिंग उनकी इतनी बड़ी बन गई और एक ब्रांड बन गई चेवरोलेट कार की कंपनी की। आप लोगों को ये कैसी लगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब चेवरोलेट का, आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी और ऐसे ही मार्केटिंग टिप्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों को जानी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी नई नई कंपनी जो होती है उसकी बारे में रिसर्च करके मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और अगर आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मौज एप्लीकेशन पर फॉलो करें ताकि वहाँ से भी आप लोगों को, वहाँ पर मैं डेली 5 से 6 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें कि एक वीडियो मतलब 1 मिनट की वीडियो होती है जिसमें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ 1 मिनट के अंदर सीखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और YouTube पे वीक में 2 डेज मैं वीडियो डालता हूँ तो यहाँ पे भी आप लोगों को लॉन्ग वीडियोज कोई एक कंपनी के बारे में सीखने को मिलेगी एक वीडियो में। तो आप लोग मुझे यहाँ भी सब्सक्राइब कर ले और मौज पे भी जाके फॉलो कर ले ताकि आप लोगों को हर जगह से नॉलेज मिलती रहे।